हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय। आई एम स्नेहल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं वेफर्स रोल। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, पाउडर शुगर, चॉकलेट स्प्रेड, ऑयल, वेनिला एसेंस, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसके अंदर हम ले रहे हैं 1 कप मैदा। कोई भी 1 कप आप सेट कर लीजिएगा मेजरमेंट के लिए। 1/2 कप शुगर, पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 2 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सॉल्ट हमें इसको सॉल्टी बनाने के लिए नहीं ऐड करना है, इसकी जो स्वीटनेस में फ्लेवर एनहांस होती है वो सॉल्ट से होती है, इसलिए हम ले रहे हैं। ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ इसलिए मैं कोको पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून कोको पाउडर है। अगर आपको वाइट बनाने हैं, सिर्फ वेनिला फ्लेवर चाहिए, तो आप कोको पाउडर मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें अभी मैंने मिक्स कर ली है अच्छे से। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ले रहे हैं। ऑयल भी कोई फ्लेवर ऑयल नहीं चाहिए, हमें प्लेन चाहिए। आप कोई भी फ्लेवर का ऑयल इसमें मत यूज़ कीजिएगा। ये 3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ इसमें। ऑयल भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको जो बैटर बनाएंगे वो हम लुकवॉर्म मिल्क से बना रहे हैं। ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, ऐसा मिल्क ये मैंने लिया है। इसका मैं ज़्यादा थिक भी बैटर नहीं चाहिए और पतला भी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हमें चाहिए। इसमें 1 कप के करीब मिल्क चला जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बैटर रेडी है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए और ऐसा बैटर हमें चाहिए। बैटर रेडी है, ये हमें ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए जो एकदम फ्लोइंग हो, और इसके अंदर अगर आप डालते हो तो अंदर मर्ज हो जाए इस तरह से। अभी मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही डालिएगा, अगर अवेलेबल है तो डालिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। अदरवाइज चॉकलेट का अपना टेस्ट तो है ही इसमें। अभी ये हमारा बैटर रेडी है, अब हम इससे वेफर्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रोसीजर है बनाने की वो बहुत ही ट्रिकी है। ये तवा मैंने लिया हुआ है, आप नॉनस्टिक ही लीजिएगा। ये बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें बनाना है और इसको थोड़ा सा हीट करके, बहुत ही थोड़ा सा गर्म करके हमें इसको फ्लेम पर से ले लेना है और फिर इस पर वेफर्स डालना है। अभी मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा है, लेकिन बहुत कम, जैसे ऐसे छू सके ना, हमें इतना ही गर्म चाहिए। तो अभी मैं ये ले रही हूँ। अब ये बहुत ही थोड़ा मैंने इसको गर्म कर लिया है, जस्ट फ्यू सेकंड ही हमें इसको फ्लेम पे रखना है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी। और 1 चम्मच बैटर लेकर इस पर मैं ऐड करती हूँ। हमें बिल्कुल पतला इसको फैलाना है। अभी ये मैंने इस पर बिल्कुल पतला सा फैला दिया है और वापस मैं इसको फ्लेम पर रख रही हूँ। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है और लो फ्लेम पर ही हमें इसको कुक करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 3 to 4 मिनट में ये 1 साइड कुक हो जाएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स ये देखिए ड्राई होने लगेगा और इसकी साइड्स भी ऐसे निकलने लगेगी। अभी हम इसको टर्न कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, पतला हमें चाहिए, इसलिए इसको टर्न करने में भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी इस साइड भी हमें कुक करना है, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर।
आफ्टर 1 मिनट ये साइड भी अभी हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के तुरंत बाद हमें इसको रोल भी कर देना है। इसको मैं ऐसे लेकर, इसको कोई भी आप स्क्रू और या मेरे पास ये चॉपस्टिक है वो आप लेकर इसको ऐसे एकदम से फटाफट से हमें इसको टर्न कर लेना है, रोल कर लेना है, अदरवाइज ये तुरंत ही क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्प फटाफट से होता है, जैसे ही आप नीचे उतारे उसके तुरंत बाद आप इसको रोल कर लीजिए, अदरवाइज ये क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद ये रोल नहीं होगा। आप ऐसे जो बारबेक्यू स्टिक आती है उससे भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो पेंसिल होती है घर में, पेन होती है उससे भी कर सकते हैं। मैंने ये चॉपस्टिक यूज़ किया था, ऐसे मैं दूसरे भी बना लेती हूँ। ये मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं, एक मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए ये अभी खाली है, अभी हम इसके अंदर चॉकलेट स्प्रेड जो आता है वो स्टफ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से होलो होता है, अभी मैंने ये चॉकलेट स्प्रेड इसके अंदर पाइपिंग बैग में भर लिया है, मैं इसके अंदर स्टफ कर दूंगी। दोनों साइड से हम करेंगे इसलिए काफ़ी अच्छे से अंदर स्टफ हो जाएगा। ये देखिए मैंने अभी इसमें चॉकलेट स्प्रेड फिल किया है, आप चाहे तो बटर आइसिंग भी कर सकते हो, व्हिप क्रीम भी डाल सकते हो, उसमें कोई भी फ्लेवर भी आप ले सकते हो, जैसे कि स्ट्रॉबेरी क्रश डालकर व्हिप क्रीम बना दिया या फिर पाइनएप्पल क्रश, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे वेफर्स रोल। फ्रेंड्स, मैंने बना दिए है वेफर्स रोल, होप आपको ये भी पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।